हम अपने जस्ट ऑर्डर के नीचे बैठ करके डिनर कर रहे हैं। रात के 12 बजे, 12 बजने में 8 मिनट बाकी है और मेरे हस्बैंड के बर्थडे आने में भी 8 मिनट बाकी है और हम यहाँ डिनर करते हुए यहाँ बर्थडे मिस करेंगे मिस्टर हस्बैंड को। गाइस हैप्पी बर्थडे विश कर दो। हैप्पी बर्थडे टू माय हबी। हेलो गाइस, गिनने आया हम कितने लोग हैं उस हिसाब से भगवान को जाके बताएगा इनकी नंबर पहले लगवाओ। विशाल, ए विशाल, मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी से कहो इधर देखो झाको। टाइम इज 3:47 और हम सारे नहा धोकर रेडी हो चुके हैं ऊपर जाने के लिए गौरीकुंड ट्रैक के लिए। लाइन देख सकते कितनी लंबी है। सब लोग हेलो कर दो। फ्रेश सोनप्रयाग का जहाँ से हमें शटल मिलेगी और ये रही आगे की लाइन बहुत लंबी और ये रहा प्यारा सा सुंदर सा नदी जो कि बहुत डेंजरस लग रहा है अंधेरे में। और अब हम जा रहे हैं गाड़ियों की ओर, मिलते हैं गौरीकुंड में। बाय बाय, हर हर महादेव। हरे 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 महादेव, बोलिए महादेव की जय। और अब हम सारे पहुंच चुके हैं केदारनाथ के ट्रैक पर। ये रहे मामा विशाल, शिवा, पीटर, मम्मी, नानी, एवरीबॉडी। ट्रैक इज क्वाइट ट्रिकी, बहुत टफ है बट वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हाँ फोटो नहीं आ रही। अब हम यहाँ पर रुके हैं मैगी खाने के लिए, हमारी मैगी बन रही है। इनके हालात देखिए अभी से ही, अभी 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ही चला होगा हमने। लेट्स सी और कितना बचा है। पब्लिक भूखे ना गाओ जैसे के तरीके से मैगी खा रही है। तो बर्थडे में चल रही है मैगी, इनके बर्थडे भी हो रहे हैं मैगी। बात तो सही है, मेरे का तो बर्थडे भी है। और हमें ट्रक के बहुत ऊपर जाना है उधर। अब ये प्राकृतिक झरने से पानी पीते हुए अविनाश सिंह भदौरिया, कैसा लगा? कैसा रहा अनुभव? मेरे पतिदेव जी जो एकदम प्रॉपर पहाड़ी बेस में आ चुके हैं, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा लगा? आ चुके हैं नीचे से 5 से 6 किलोमीटर ऊपर तक
ये रहे कुछ लोग जलपान करते हुए और ये रहे हमारे धनुर्धर लोग जो कि ये पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। हाय हेलो, हरे हरे। फाइनली हमारी 10 किलोमीटर की ट्रैक हो चुकी है और अब हम बढ़ रहे हैं रामबाड़ा की तरफ, लेकिन कुछ लोग ढेर हो चुके हैं जैसे कि पलक, जिन्हें पिट्ठू करना पड़ा है। लेट्स सी आगे कौन कौन ढेर होता है। एक कैंडिडेट ढेर हो चुकी है, भूमि सिंह राजावत और पलक मुँह छिपाती घूम रही है और उल्टियाँ करती भी। हाँ तबीयत ठीक है। What do you have? You have that palm. More arms. Oh. Let's hustle. So, 9 kilometers are remaining. And अब आप सिचुएशन देख लीजिए, ट्रैक कैसा है। नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर कुछ लोगों की पट्टी पड़ी है और हमें जाना है इस वाले ट्रैक तक। और हमें यहाँ से शुरुआत करना है 9 किलोमीटर। फटाफट आओ, हमारी ट्रैक हो चुकी है 12 किलोमीटर्स की एंड मोर बी मोर देन दैट, बिकॉज कोई क्लियर नहीं बताता है कि ट्रैक कितना है। ट्रैक 22 से ज़्यादा है, 22 किलोमीटर से। और अब हम अभी भी ट्रैकिंग पे ही है और हम सारे अब रंगीन टोबो बन चुके हैं। ये देखो, पर्पल, पिंक, ग्रीन, एक और पर्पल और फुल टोबोज, ग्रीन, पर्पल, वन मोर पर्पल, येलो। सिरा कहाँ है? वी आर डूइंग एथलीट वाली ट्रैकिंग। हम सारे सॉफ्टवेयर से होकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसी में खतरा भी। ये राजसिवा मेरा साथी, बाकी सारे लोग लॉन्ग रूट से आ रहे हैं। एक सेकेंड, और रास्ता आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फन है, मज़ा ही मज़ा है। एंड टू मोर कैंडिडेट्स डाउन, नानी एंड जिया। अब आज जिया जा चुकी है और नानी अब जा रही हैं। अब देखते हैं कि कौन और कौन कौन डाउन होता है। खैर हम लोग तो अभी भी मोर्चा लिए हुए हैं। लेट्स सी। फाइनली हम उन बहाबत पहाड़ों तक पहुंच गए हैं, लेकिन इससे अभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है। और
चलो ब्रो हार गए क्या? Not yet. बहुत ही गलत करा। हमारी ट्रैक कंप्लीट हो गई है रात के 8:25 पर, और ट्रैक का जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो 22 किलोमीटर्स भी नहीं है, दैट इज 28 मोर देन दैट। बहुत ही टफ ट्रैक है, जो बॉडी फिजिक से सही नहीं है वो बिल्कुल भी ना आए, बट हाँ जो फिट है वो आ सकता है। यहाँ पर किसी को कोई काम नहीं है, हम यहाँ पर रह रहे हैं। This is our camping area. ठंडिया बहुत ज़्यादा है, -3 टेम्परेचर है। ये रहे चंद्रमा जी, बिल्कुल जरा सुबह का 3, और ये रही यहाँ की वादियाँ।